अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम लोग आज आए हैं रॉयल ताज बैंक्वेट में इफ्तारी के लिए। हमारे दो दोस्त अभी अंदर गए हुए पता करने कि भाई मेन्यू सिस्टम है या बुफे सिस्टम। तो चले हम आपको इसका विजिट करवाते हैं। गुलशन में है ये वाकई डिस्को बेकरी के पास, तो चले आपको लेके चलते। दिखा दो ना इनका मेन्यू, नहीं ना क्यों खामा खी भी वो लोग वहाँ जाएंगे ना यार। भाई हमने जो ऑर्डर किया है वो किया है कलमी टिक्का, ठीक है, एक कलमी टिक्का ऑर्डर किया है। हाँ भाई किया है हमने, ठीक है, और ये रहा टर्किश, तीन ये आएंगे। और कौन सा था नंबर बताओ जल्दी से। और एक पेशावी कढ़ाई थी और ऐसी कुछ चेंजेस के साथ हमने फिर गया था पर तीन थे यार। ये मंगाया था हमने शामिंग वगैरह। अच्छा वो नान वान ये मंगाया, अब टेस्ट करते हैं कैसा है। अच्छा बाकी यार इनको फ्री में ना समोसे और पकौड़े दिए थे, वो सब खा गए। इन्होंने देखो इन्होंने मेरे लिए जूस भी नहीं बताया। जी सर खाना कैसा लगा यार? अरे चल रही है भाई, चल रही है। हाँ सीधे नहीं तुर्की कह रही है, तुर्की कबाब जी कलमी कढ़ाई कढ़ाई सही थी। चले ठीक सर, दानिश आप बताएं कैसा लगा? अच्छा एक्सपीरियंस था, स्पेशली जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी वो कलमी का जो था वो ज़्यादा बेहतर था। बाकी कढ़ाई एवरेज है और टर्किश कबाब भी एवरेज है, बाकी एनवायरमेंट ठीक है। हाँ इन्वायरमेंट थोड़ा बेहतर है यहाँ का, आप ला सकते हैं फैमिली को, ठीक है। बस अब बजट देखते हैं, अभी जब बिल आता है तो देखते हैं क्या बजट आया, मतलब बजट में है या नहीं है काम साथ के। नहीं मतलब फिर नहीं आएंगे ना यहाँ पे यार, मतलब बाकी टेस्ट कुछ ज़्यादा खास मुझे नहीं लगा। इससे अच्छा यार अपना वही बेहतर रेस्टोरेंट होता है यार। हाँ यार वही चाय हम यहाँ पे भी नहीं पी रहे, हम चाय की पीएंगे होटल के ऊपर, ठीक है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। ये बंदे के दोनों कार्ड जा चुके हैं, जिंदगी भर की कमाई जा चुकी है यहाँ से ना। एक कार्ड के लिए प्रचार के दूसरा भी दे दिया। ये देखें, ये इनसे वीडियो में पूछा गया, इन्होंने कहा था एवरेज है और किसी भी एवरेज पे टिक लगाया। मैंने मील को मैंने गुड किया, सही है, क्योंकि फूड प्रेजेंटेशन अच्छी थी इनकी, डिलीवर भी सही दिया था, फ्रेश दिया था, सर्विस जो थी वो अट्रैक्टिव थी और एटीट्यूड भी अच्छा था। डिस्काउंट पे 10 अगर लेकिन 30 मिल जाए तो ज़्यादा। चलें ठीक।